दोस्तों मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। नरोत्तम नगर मित्तल ग्राउंड में के मेले में हुई अलग अलग खूनी वारदात। जी हां दोस्तों, 4 से 5 अलग अलग जगह पर नरोत्तम नगर के मेले के बाहर लफड़े हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर रोग की चोटें आई हैं, जिसमें से एक युवक नौजवान युवक था। कैसे ये मामला हुआ, कैसे ये झगड़ा हुआ, आइए जानते हैं उस युवक की और उसके माँ की जबानी। उससे पहले हम आपको फुटेजेस दिखा देंगे कैसे वहाँ का माहौल था। एक एक जगह पर 100-100 लोगों का झुंड खड़ा था मारामारी करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। नरोत्तम नगर मित्तल ग्राउंड में के मेले में हुई अलग अलग खूनी वारदात। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 अलग अलग जगह पर नरोत्तम नगर के मेले के बाहर लफड़े हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को गंभीर रोग की चोटें आई हैं, जिसमें से एक युवक नौजवान युवक था। कैसे ये मामला हुआ, कैसे ये झगड़ा हुआ, आइए जानते हैं उस युवक की और उसके माँ की जबानी। उससे पहले हम आपको फुटेजेस दिखा देंगे कैसे वहाँ का माहौल था। एक एक जगह पर 100-100 लोगों का झुंड खड़ा था मारामारी करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। नरोत्तम नगर मित्तल ग्राउंड में के मेले में हुई अलग अलग खूनी वारदात। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 पैर टच हुआ, इसके लिए ब्लेड निकल गया, इसके लगा भाई, किसको ब्लेड लगा? क्या नाम है बेटा? जफर। पूरा नाम बोलो। जफर जमीर शेख। कहाँ रहते हो? चन्नीबाड़ा। ये जो आपके सर पर मार लगी है, इतनी पट्टी बंदी हुई, ये कैसा हुआ मामला? ये हम लोग 4 दोस्त लोग थे, खाली मैं उन लोग से थोड़ा सी बड़ा था, बाकी छोटे छोटे थे। एक दोस्त ना चाय पी रहा था, तो चाय गिर गई थी एक कैन पे, तो सीधा ना गाली लेके उसको लाफा मारा। बोलता चाय काय को तूने गिराया? तो बोला, मैं बोला, वो भी बोला भाई जाने दे, बोले गलती हो, तो बोला नहीं। तो फिर धक्के में हम लोग को मारने के चक्कर में दूसरे से झगड़ा हो गया, तो दूसरे लोग ने इन लोग को मारे ना, तो इन लोग लेके ना 20-25 पब्लिक लेके आए छुरी वीरी और मेरे को पकड़ लिए। अब उन लोगों को लगा कि मैं था, और मेरे को पकड़ के लेके गए, पहले लिटा के लाती लात मारे। कहाँ पे मारे लिया? अंदर मेले के बीच में नाव के पास, और फिर वो फिर चाकू से सर पे मारे और पीठ के पास। सर पे और पीठ पे मारे? ये कल रात का 10:30-11 बजे जो पब्लिक का हुजूम था, ये वही मामला है? हाँ। यानी मेले से बाजू में जो शंकर नाला है, नाले से छटा है जो चाली है वहाँ, और वहाँ से रिटर्न फिर वापस मेले में, जो पूरे लड़कों का ग्रुप घूम रहा था आपस में। मेले में 4 से 5 झगड़े हुए थे अंकल, बहुत लोग के झगड़े हुए थे। अच्छा। हम लोग नाच रहे थे ना, तो थोड़ी सी चाय गिर गई थी, कैमरे को गाली दे रहा था। अच्छा। मतलब कल मेले में 5 से 6 लफड़े हुए आपका कहने का मुताबिक है? हाँ। तो अभी आपने ट्रीटमेंट जो किया है, तो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल जाके जो किया है, तो आपके सर पे कितने टाके आए? मेरे को पीछे 17 टाके आए, 8 टाके सर। 11 है सर। पीछे 17 है और सर पे 11 है।
तो आपकी FIR ली गई पुलिस ने? अब तक कितने लोगों का नाम आपने लिखा है? 6 लोग पकड़ लिए। 6 जन का? आप सबको जानते? इसमें से सबको जानता हूँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं सब लड़के? वो ये सब हम लोग ये कंपाउंड रशीद कंपाउंड में रहते हैं। मतलब तुम्हारे एरिया के ही लोग हैं? हाँ, थोड़ा सी नजदीक। मेरे बेटे का खून निकाले, पूरा चाकू बिच्छू से मारे लोगों ने। बताओ, मोटी टी शर्ट भी फाड़ डाले, चाकू मार के पेट में वार करके। मेरा बेटा वहीं बेहोश हो गया चक्कर आते हुए। तो आपकी बेटी की क्या लड़कों से पुरानी रंजिश थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। घूमेर से 200 रुपए लेके आया, बोलता मम्मी मेले में जा रहा। मैं मेले वो में चाय गिरा ला, खाली उठना वाला खाली चाय गिरा, दूसरों से झगड़ा करा। उन लोग ने दूसरों से झगड़ा करे, उनको क्या लगा ये भी लड़का है, तो ये मिल गया तो इसके पे गुस्सा निकाल दिया। एक चाय गिरने में कोई इस तरह तो नहीं मरता क्या बेटा? तुम कुछ बात बता सकते हो इससे पहला कभी तुम्हारी कोई रंजिश वगैरह भी उन लड़कों से? खाली एक को पहचान लेता थी, वो भी पहचान लगा था, झगड़ा वोड़ा किसी नहीं किया, वो लाफा मार दिया ना हम लोग को, मार रहे थे ना लोग, सीधा मारना चालू कर दिए। अच्छा, लोग दूसरे लोग ने लोग को मारे, लोग गए छुरी लेके आके मारना चालू कर दिए। तुम्हारा नाम पूरा नाम बोलो एक दफा वापस। जमीर अब्बास जफर सेठ। उम्र कितनी है आपकी? 16। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर खान है। आप इस बच्चे के क्या लगते हो? मैं इनका चाचा हूँ। तो जब यह वाकया हुआ उसके बाद से लेके अब तक के जो पूरी जानकारी क्या देना चाहोगे? मैं हम लोग को जैसा पता चला कि बच्चे को मार लगा, तो हम लोग को मालूम पड़ा रहमानिया में, तो हम लोग रहमानिया अस्पताल गए। तो जब तक वहाँ इसको बैंडेज वगैरह लगा के डॉक्टर लोग ने बोले कि आप इसको शिवाजी ले जाओ, बहुत ज़्यादा ही खून बह रहा था। जब हम लोग शिवाजी अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर लोग ने बोले कि ये अभी इसका मामला क्रिटिकल है, हम लोग इसको चेक करेंगे, इसका सीटी स्कैन वगैरह निकालेंगे। डॉक्टर ने इसका सीटी स्कैन वगैरह निकाले, इसको पीठ पे 16 स्टिचेस दिए थे, आप सर के ऊपर 8-9 स्टिचेस आए थे इसके। डॉक्टर लोग ने रात में रखे, सुबह में बोले अगर मामला क्रिटिक होता है, अच्छा होता है, तो हम लोग घर भेजेंगे, नहीं अगर कुछ तकलीफ होती तो आपको वापस यहाँ आना पड़ेगा। फिर बताया कि सर में कितना मार लगा, कितना जख्म हो गया, उसके लिए आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा। हमने सीटी स्कैन भी करा के लाए, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी रिपोर्ट सुबह 8 बजे मिलेगी। तो डॉक्टर ने बोला कि फिल्म ला के मुझे बताओ। डॉक्टर ने फिल्म वगैरह सब देखा और तहकीकात करने के बाद बोला कि घर ले जाओ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है सुबह में तो आप फिर सुबह में इसको दवाखाना ले आना, हमारे पास अभी बेड खाली नहीं है। तो पूरी दवा की हॉस्पिटल की प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद, मुमरा चौकी आने के बाद, यहाँ पर आपके केस को क्या रजिस्ट्रेशन किया गया? नहीं, जब हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने कल रात को जवाब लिख के लाए थे दवाखाने से, जो पुलिस वाले 2 आए थे, तो वो उन्होंने कहा कि इनका मैटर वो पुलिस वालों के पास है, उन्होंने शाम को आएंगे 8-9 बजे। तो दूसरे जो ऑफिसर थे भोसले साहब, उन्होंने बोले कि DB वालों के हाथ में मैं बुला के देता हूँ, आप DB वाले को दो, हमका नंबर देता हूँ, DB वाले को बताए। DB वाले वहाँ गए, एक लड़के को पकड़े, वो बताया कि हाँ चाकू से मारा गया है। मैं चाकू बताता हूँ साहब, किसने किसने मारा उन सबका नाम बताता हूँ, सबके घर पर वो लड़के ने लेके गया। उसके बाद में जब घर पर लड़के ने वो पुलिस को लेके गया, तो वहाँ उनके घर वालों ने वहाँ उनके पुलिस के साथ में उल्टा सीधा हरकतें कर दिए, दरवाज़ा नहीं खोले, उसके वजह से लड़के के माँ और बाप को दोनों को लाना पड़ा। तो अभी FIR कोई रजिस्ट्रेशन की गई है इसकी? FIR ऐसा है कि उनका जवाब नोन किया गया है, अभी साहब बोले कि 3 बजे तक आते हैं बंदोबस्त पे जो जामा मस्जिद के पास में, जब वो आएंगे पूरी कार्रवाई होगी। 4 आरोपी 5 आरोपी पकड़े गए, बच्चा उसमें से 4-5 को जान रहा है, और मारने वाले भी खुद कबूल रहे कि इसने चाकू मारा, इसने हाथ पकड़ा था, इसने लात मारा। तो मतलब आपको पुलिस ने फुल कॉपरेट किया है? पुलिस बोल रही है कि हम आपको कॉपरेट करेंगे, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द FIR नहीं हुए तो हम लोग आगे जाएंगे। और दूसरा मसला ये है कि जब से ये मेला लगा है, मेले में छिड़म छाड़ी होती है, चोरियाँ होती है, फालतू लोग आ रहे मेले में, कल ही दिन भर में 6 झगड़े हो गए। स्पॉन्सर्स जो है मेले के लिए परमिशन ले रहे, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहे, ना बॉन्सर्स रख रहे, ना सिक्योरिटी वगैरह कुछ रख रहे, कुछ उनको बंदोबस्त करना चाहिए। उल्टा पुलिस ने परमिशन ले लिए, म्यूनसिपालिटी ने उनको परमिशन दी, सिर्फ परमिशन से नहीं होता है, बच्चों की हिफाजत करना भी स्पॉन्सर्स का काम है। जिस तरीके से आपने वहाँ 1-2 लाख रुपया खर्चा करके दुनिया का सामान ला के यहाँ बिठाए, सामान ला के सब लगाए, तो आपका काम है कि मैं 1-2 गार्ड रखूँ, 2 बाउंसर्स रखूँ, मैं पुलिस सिक्योरिटी रखूँ, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब अपने रोटी सीधी करने के चक्कर में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे मुमरा एक्सप्रेस पर, और ऐसी ही बेबाक खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।